आज भारत का व्यापारियों का सबसे पुराना संगठन ग्रोमा के द्वारा या नवी मुंबई में आयोजित इस व्यापारी ट्रेडर्स मीट में आने का मुझे मौका मिला। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश G20 का नेतृत्व कर रहा है और उसी क्रम में व्यापार जगत की व्यवस्था और कल्याण के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया और उसी क्रम में आज मैं और मेरी टीम पूरे भारत में इस प्रकार के आयोजनों में सम्मिलित हो रहे व्यापारियों से रूबरू होने के लिए भारत सरकार आपके द्वार इस प्रकार से व्यापारियों से हम संगठनों से मिल रहे हैं। कई प्रकार की बातें आई लेकिन जब ये हमारे से प्रश्न किया गया कि अब व्यापारियों की पेंशन के बारे में तो मुझे आज बताते हुए बहुत आनंद हुआ, जिसका पूर जोर से स्टैंडिंग ओवेशन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का सबने स्वागत किया कि अब व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी पेंशन 3,000 रुपया प्रति माह, उसका बहुत सबने स्वागत किया, सम्मान किया। उसी क्रम में जब व्यापारियों ने लाइसेंस के प्रश्न की बात कही कि व्यापारियों को लाइसेंस को लेकर अनेक राज्यों में इस प्रकार की समस्या है, तो अब भारत सरकार ने ये निर्णय कर दिया है कि वन विंडो लाइसेंस और ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, जिससे व्यापारियों के व्यापार करने के सिस्टम में बहुत सरलीकरण होगा। उसके बाद एक जो प्रश्न आया था कि अलग अलग प्रकार के व्यापारियों को जो एक्ट है, कानून है, उसमें क्या बदलाव हो सकता है, तो उसके सरलीकरण की भी इस बोर्ड के माध्यम से व्यवस्था करने की बात आज हमने सबके सामने रखी। उससे बहुत सम्मानजनक साथ इस बात को, व्यापारियों के निर्णय को भारत सरकार द्वारा जो एक व्यवस्था खड़ी की गई है और उसमें हमने बताया है कि अब बढ़ेगी जिले की कमेटी, जिले के साथ बोर्ड बनेगा प्रदेश में भी और केंद्र में बढ़ गया, जिले से लगाकर केंद्र की एक समिति बनने से पूरा एक संगठन खड़ा हो जाएगा। और हमने कहा कि अनेकता में एकता व्यापार की विशेषता, और हमने अपील की है सबसे कि इस बोर्ड के माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अलग अलग संगठन के माध्यम से अपनी अपनी बात आज दिन तक कहते आए हैं, लेकिन अब जब चूंकि भारत सरकार ने व्यापारियों की समस्या और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए, उनके निस्तारण के लिए, उनकी समाधान के लिए जब राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया है, तो आइए आप सब हमसे जुड़िए। और सबने इस बात का स्वागत किया कि हम इस प्रकार की संरचना के साथ सम्मान से जुड़ना चाहते हैं, और उसी क्रम में मैं आज कह सकता हूं कि ग्रोमा के द्वारा इतना बढ़िया शरद भाई और उनकी पूरी टीम और हमारे जनप्रतिनिधि एमपी साहब, एमएलए साहब सब इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और इतनी भारी संख्या में आज व्यापारी उपस्थित रहे और कोरोना काल में किए गए कार्यों का भी हमने उनकी बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की।